तम्बाकू पीना है अभी बिना तम्बाकू पिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं और पीहू नीचे जा रहे हैं शिल्पौर के घर पे, क्योंकि वहाँ पे है आज डाली, तो वहाँ पे बनने वाले हैं आज अरसे। तो जो मतलब ओखली में कूटते हैं ना, तो वो तो यहाँ पे कूटा नहीं उन्होंने, क्योंकि अब मशीन वगैरह हो गई, तो वहीं पे मतलब चक्की होती है ना, तो उसी में देते हैं पिसाने के लिए। तो चावल वगैरह तो उसी में पिस लिए थे और अभी वो लोग बना रहे होंगे अरसे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, और मेरे साथ में पीहू भी आ रही है। पीहू हेलो कर दो। तो चलिए चलते हैं उनके घर पे और देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं अरसे। तो अभी हम लोग पहुंच गए शिल्पारों के घर पे और यहाँ पे ढोल बज रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को गांव के ढोल। और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे गांव में अरसे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे बन रही है पकौड़िया। नाना जी बना रहे हैं यहाँ पे पकोड़े, अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मामा जी भी इधर से बना रहे हैं। और यहाँ पे दोनों के दोनों दुष्ट लोग बैठे हुए और ये गुड़ है, गुड़ गुड़ को पिघला के इसमें ये चावल का आटा डालते हैं। और ये नाना जी बना रहे हैं इसको तो सबके सब यहाँ पे बना रहे अरसे। अभी इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे इसके साथ, बहुत अच्छे से, और गुड़ पिघल विघल के तैयार है यहाँ पे, बहुत अच्छे से इसको मिला देंगे आटे को, और फिर इसके बाद इसको फटाफट से तल लेंगे। और यहाँ पे पकौड़िया भी बन रही है शादी की। ये नाना जी है, ये मामा जी है, नाना जी है, नाना जी है, मामा जी है। तो यहाँ पे शादी की मिठाई बन रही है और इस मिठाई का नाम है अरसे। ये उत्तराखंड की और पहाड़ी लोगों की सबसे फेमस मिठाई होती है, जो हर किसी की शादी में बनाई जाती, जो चावल के आटे से और गुड़ से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई होती है। यहाँ पे शादी वाला माहौल हो रखा है, यहाँ पे काफी भीड़ भड़ा के, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इन और ये देखिए यहाँ पे बंदे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सारे मतलब जो भी काम वाम हो रहे हैं। नीचे मत गिर जाना ना, नहीं देना। यहाँ पे सारे काम हो रहा है, शादी का पकौड़े वकड़े अरसे वगैरह बन रहे हैं। दुल्हन की मामी का बेटा, इसका नाम कालू है ना, इसका नाम क्या है? कालू। और ये देखो इसको कैसे कर रहा है। और ये दुल्हन आ चुकी है, और ये देखिए दोस्तों दुल्हन के जूते, इन्हीं जूतों को पहन के शिल्पा की विदाई होगी। कपड़े भी वही है। अरे हमारी प्यारी सी गुड़िया आ गई अपने जूते लेके। आजा आजा गुड़िया, है गुड़िया। अब दुल्हन जूते अभी देखो, गुड़िया का स्टाइल देखो, जूते पहनने का स्टाइल देखो, वाह क्या स्टाइल है गुड़िया का पहनने का। और आगे से चूहे ने सारा जूता काट लिया है।
मूसा ले गया उसका जूता है, गुड़िया उल्टे जूते पहनते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे दुल्हन दूल्हे से बात करते हुए नजर आ रही है। हाँ दूल्हे ही है, देख लो यहाँ पे दुल्हन ये कर रही है, दूल्हे जी से बात। दूल्हा फोन नहीं उठा रहा, क्या कर सकते है फिर, क्योंकि दूल्हा। शिल्पा शादी हो रही है, कैसे कैसा लग रहा है, मतलब आपको कैसा लग रहा है? क्या कन्फड़िया बोलो बोलो अपनी फीलिंग बताओ, हिंदी में बताओ ना आप, कन्फड़ा को तो समझ में आ रहा है। बन रहे हमारे बुआ जी है ममल, तो अरसों का जो पाक लगता है ना, तो वो बन के यहाँ पे तैयार हो गया था और अब यहाँ पे तलना शुरू करते हैं। तो नाना और मामा जी यहाँ पे अरसों को तल रहे हैं और ये तलते टाइम ना हाथों में चिपकता है, तो उसमें तेल डाला जाता है ऊपर से, जिससे ये चिपके नहीं। और यहाँ पर किरण दीदी भी बना रही है, गोल्ड दीदी ढीकी लेके आ रखी है। और दीदी बैठ गई पूरी बना रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारे काम किया जाता है गांव में। और यहाँ पे इस तरीके से डाली के दिन अरसे पकोड़े, दाल के पकोड़े और सब चीज़ें बनाई जाती है और फिर सारे गांव में बांटी जाती है। और जो अरसे होते हैं ना, तो कोई भी बेटी वगैरह जैसे आती है शादी में, तो उसको दिया जाता है। तो यही परंपरा यहाँ पे पुराने से चली आ रही है। ये है आरती दीदी जो कि पूरियां बेल रही है। और अब यहाँ पे मामी जी और नानी जी भी बनाने लग गए अरसे। जिसको बोलते हैं नानी का लगड़ो, चे बड़े लगड़ो बना लो। बहुत अच्छा लग रहा बनाने है, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा नानी जी पहली बार बना रही है यहाँ पे अरसे और उनको काफी मजा आ रहा है। चिपक रहा होगा ना हाथ में, बचपन में बनाते थे ना खूब सारे। अच्छा अब यहाँ दीदी भी बनाने वाली है अरसे, अरसे बन रहे हैं। अरे यार दीदी पकौड़ी बन रही है, अभी हम लोगों ने बना लिए हैं और अब बना रहे हैं मामा और फिर से। हमें लग गया था वहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं, तो अभी मैं चलती हूँ अंदर। तो अभी मंदिर आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और एक ये क्यूट सा बच्चा ये भी है। और ये यूट्यूब देखते हो? देखते हो यूट्यूब? मैं टीवी चलता नहीं, रात को देखते हो दिल्ली में क्या ही? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी काम वाम चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद खाना वाना होगा, तो फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो अभी हम लोग दोबारा जा रहे हैं शिल्पा और के घर पे, और अरसे वगैरह वहाँ पे सब कुछ बन गए थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए घर पे आ गई थी क्योंकि वहाँ पे खाना वगैरह बनना था सबके लिए। तो बस अब दोबारा से जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे और फिर चलिए आपसे नीचे फिर मिलते हैं वहीं पे। आ जा, और की रेसिपी आ रही है खाने के लिए, चलते हैं हम अभी। आ जा। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं अभी खाने के लिए, इनके बाद आएगी हमारी बारी। यहाँ पे खाया जाता है पहाड़ों में, जैसे खेतों में बैठ के या फिर अपने आंगन में बैठ के, और ऐसे ही पत्तलों में खाया जाता है यहाँ गाँव में खाना शादी वादी में। तो यही परंपरा ये पहले से चली आ रही है और अभी तक भी खाते हैं। और यहाँ पे पहले बच्चों को खिला लिया था और फिर इसके बाद जो भी बड़े बड़े थे सब ने खाया यहाँ पे खाना वगैरह। और यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग नहीं थे, बस अपनी फैमिली के थे,
तो गाँव के जो लोग हैं वो आएंगे गुड़िया नहीं खाने तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।